सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं यूजिंग क्लाउड टेरेस ऑन कुबरनेट्स इंजन। तो जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करना, आपकी भी लैब जो है बड़ा आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। सो सबसे पहले आपको इधर आना है एंड टास्क वन पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यार ये हम आ चुके हैं टास्क वन पे। सबसे पहले इधर के ऊपर ये जो है पासवर्ड कॉपी करना है अब, एंड इसको जो है इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है, ठीक है। मैं पहले को ऑफ कर देता हूँ एंड या नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। पासवर्ड जो हमने कॉपी करते पेस्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो ये कॉन्सोल ओपन हो चुका है, ठीक है। कॉन्सोल को ओपन हो जाने दो, फिर हम क्या करते हैं वापस बैक आता हूँ। इससे ऊपर कुछ है तो नहीं ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया, बट हाँ अब हमें इसको कॉपी करना है एंड हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है एंड टेराफॉर्म वाले में आना है। सो इधर आके सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना है अपना क्लाउड शेल। तो ये ऊपर हमने जिस प्रेस करा आप देख सकते हो, ये यहाँ पर प्रेस करना तो ऐसा ओपन हो जाएगा। मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करना, एंटर दबाना। सो यार नो सर डायरेक्टरी फाउंड, फिर से एक और बार प्रेस करना, एंटर दबाना। तो यार ये बोल रहा है डायरेक्टरी फाउंड नहीं हुई, मींस ऊपर कुछ होगा जो हमने मिस करा है। सो यार देखो इधर हमें जो है डायरेक्टरी डालनी है, तो या ऊपर की डायरेक्टरी हमें छूट चुकी है। सो इसको कॉपी कर लेना फटाफट। सबसे पहले इधर आना, पेस्ट करना, ऑथोराइज पर क्लिक करना पड़ेगा एंटर दबाने के बाद। सो यार नहीं करना पड़ा मतलब ऑथोराइज है, किसी किसी को ऑथोराइज का आएगा तो ऑथोराइज पर क्लिक कर देना, ठीक है। सो अब इसको कॉपी करना, इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबाना। एंड मेरे को लगता है शायद है ना जोन में ऑथोराइज करने का पूछेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर आते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। तो या अभी मुझे ऐसा लगता है पूछेगा। सो वेट करते हैं, देखते हैं पूछता है कि नहीं पूछता। तो नहीं पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो नीचे स्क्रॉल करना एंड या अब अपना इस पर सीडी करके याली मतलब याली कमांड को कॉपी कर लेना, पेस्ट करना, एंटर दबाना, इधर आना। अब आपको क्या करना है, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करना। फटाफट इस कमांड को कॉपी करना, इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबाना। अब इधर आपको जो है, इफ़ द फाइल कंटेन स्टैटिक स्ट्रिंग फ्रॉम द गूगल प्रोवाइडर एज अ बिलो देन रिमूव इट। सो यार कोई भी फाइल जिसके अंदर स्टैटिक स्ट्रिंग जो है वो गूगल प्रोवाइड करिए तो हमें उसे रिमूव करना है, ठीक है। सो कैसे, कुछ इस टाइप का है, आफ्टर मॉडिफिकेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो इधर जो ऊपर गूगल लिखा हुआ है ना, ये वेर डॉट प्रोजेक्ट, उसको भी वैसे के वैसे लेना, लेकिन वर्जन हमें हटाना है क्या। बेसिकली आपका ऐसा दिखना चाहिए मॉडिफिकेशन के बाद। सो ठीक है, हम कर देते हैं मॉडिफिकेशन। तो क्या ही है, वर्जन को हटाना है सिर्फ एंड इसको बैक स्पेस से रिमूव करते जाना, ठीक है। ये वर्जन हमने हटा दिया है, अभी एक बार देख लेते कुछ इसी तरीके का हमारा भी दिख रहा है, या हमारा भी इसी तरीके का दिख रहा है। अब कंट्रोल एक्स दबाना, वाई दबाना एंड एंटर प्रेस करना, ठीक है। सो ये हो गया है एंड नीचे स्क्रॉल करना, अब इसको कॉपी करना एंड टेराफॉर्म कर देना। अब ये जो है ये रन होने में बेसिकली चल हो गया, बिना टाइम लिए ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको इधर आके रन करना, पेस्ट करना, एंटर दबाना। सो यार ये देखो ये एक्टिवेट कर रहा है, ये भी हो गया एक्टिवेट। अब ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, अभी नीचे आना, इसको कॉपी कर लेना, इसको इधर पेस्ट करना, एंटर दबाना। सो ये भी रन हो चुका है, अब इसको कॉपी करना। अब ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली लेगा 7 से 8 मिनट के आसपास। सो यार वैल्यू इसने एंटर करने का बोला है, कोई वैल्यू क्या एंटर करनी है, अगर ये वैल्यू पूछे तो यस एंटर करना, ठीक है। वाई ई एस एंड देन एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। सो बेसिकली ये क्रिएट होने के लिए 7 से 8 मिनट लेगा, तो पहले इसे क्रिएट हो जान दो। जैसे ही क्रिएट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार फाइनली बन चुका है, इसने टोटल लिए है कुछ 6 मिनट के आसपास का टाइम इसने लिया है अप्रोक्स बनने में। सो आप भी इतने टाइम एक्सपेक्ट करना, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेट। सो यार ये हो चुका है, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना। ये वाला जो काम है आपका कंप्लीट हो चुका होगा, यानी ये वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। टास्क 3 पे चलते हैं अब हम सीधे, एंड इन सब पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है एंड इधर आना है, इधर आके इसको पेस्ट करना, एंटर दबाना, ठीक है। सो इस कमांड को रन हो जाने दो पहले, देन हम आगे बढ़ते। तो ये देखो ये रन हो चुकी है, अब इधर आना। इन सब को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स बस ऐसे ही है। तो या आप इसको कॉपी कर लेना एंड इधर आके इसको पेस्ट करना, एंटर दबा देना, ठीक है। सो ये हो चुका है गाइस, अब इसको एक सेकेंड गाइस, ये हो चुका है एंड चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना। ये वाला टास्क जो है कंप्लीट हो गया। अब 4 टास्क करते फटाफट एंड ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब
स्किप कर सकते हो शायद, नहीं कर सकते गाइज स्किप, इसको इसको हमें करना ही पड़ेगा। सो यार हमें जाना है कुबरनेट्स के अंदर एंड सर्विस एंड इंग्रेस के अंदर जाना है, ठीक है। तो इसको उस कुबरनेट्स को कॉपी कर लूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा एंड इसको पेस्ट करता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ, ठीक है। सो यार ये मैंने दबा दिया एंड कुबरनेट्स इंजन के अंदर जाना। सो यार ये हम आ चुके हैं इधर कुबरनेट्स इंजन के अंदर, आप देख सकते हो ट्रैकिंग डेमो स्पेस। तो यार ये जो है ये तो हमें ऐसा इधर दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा। एंड ये जो है सर्विस एंड इंग्रेस के अंदर है, ठीक है। तो यार एक काम करो, इधर आओ फटाफट, इधर आके इसको रिमूव करो, सर्विस एंड इंग्रेस, ठीक है, ऐसा लिख देना इधर। सो ऑटोमेटिकली वो जो भी होगा वो आ जाएगा। सो ये सर्विस वाले सेक्शन में मिलेगा कुबरनेट्स इंजन के। तो यार हमने क्लिक कर दिया है, सो हम आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। इधर ओके हमारा भी लिखा आ चुका है, अभी एंड पॉइंट पे क्लिक कर देना तो ये एक नई विंडो ओपन कर देगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया इधर एंड कुछ इसी तरीके का, वो भी बोल ही रहा था कि हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा, बट हमें जो है टू द यूआरएल ऐड द स्ट्रिंग एंड सी द कस्टम मैसेज, ठीक है। तो यूआरएल पे हमें याली स्ट्रिंग को ऐड करना है इधर, ठीक है, इधर इसको एक की से पेस्ट कर देना एंड एंटर दबा देना, ठीक है। सो देखो कस्टम मैसेज हो गया है, चलो ये भी हो गया है अब कंप्लीट। तो या रिप्लेस द कस्टम मैसेज विथ योर ओन मैसेज टू जनरेट सम डेटा लूप, ठीक है। तो चेक माई प्रोग्रेस पे कर दो, आप करने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। सो यार देखो ये रन हो चुका है, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड अब नीचे स्क्रॉल कर देना, ये वाले पार्ट को स्किप कर देना अभी। और हमें कौन सा टास्क करना है क्या सर? फाइनली सारी लैब्स ख़त्म हो चुकी है, मतलब सारा पार्ट जो है इसका ख़त्म हो चुका है, जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया है। एंड ये लास्ट टास्क था ये भी कंप्लीट हो चुका है, एंड लैब कर देना। मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन टिक लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो यार इधर आके जितने भी स्टार आपको देने हैं दे देना, मैंने दे दिए है। एंड इधर सबमिट पर क्लिक कर देना एंड बैक आना, बैक आने के बाद आप चेक करोगे तो इधर ग्रीन टिक जो है वो लग चुका होगा इस वाले पे, ये देखो जो लग चुका है इस पे ग्रीन टिक। एंड ये जो लैब है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप वीडियो चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।